बड़ी वाली ब्लैक वाली आपको एक शेर Since you are a mother yourself, is it very easy for you to judge the contestants?
Not really, क्योंकि सबसे पहले वो जज जो वर्ड होता है ना वही बहुत बुरा लगता है बिकॉज यू कांट जज चिल्ड्रन. बच्चे बच्चे होते हैं और हर एक अपना अपना एक इंडिविजुअल होता है. सो इट्स ईजी टू से हम जजिंग बोलते हैं लेकिन वी ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट देम. मैं चाहती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली कुछ बताऊँ. एंड इतने छोटे हैं वो उनके सामने पूरी जिंदगी बड़ी होती है. आई थिंक बच्चे जो है वो भी इसको बड़ी खुशी खुशी से ले लेते हैं. एंड आई थिंक लास्ट सीजन में भी जब मैं थी आई नोटिस वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली कि बच्चे टेक एवरीथिंग ऑन देयर चिन. दे आर वेरी हैप्पी. दे से ओके आई विल ट्राई अगेन द नेक्स्ट टाइम. दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. वो बच्चे रोते हैं स्ट्रेस लेते हैं जिनके पेरेंट्स उन पे स्ट्रेस डालते हैं. और जिनके पेरेंट्स स्ट्रेस नहीं करते दे कम एंड हैव फन. वो ऐसे मजाक करते हैं दोस्त बना लेते हैं हमसे भी मिल लेते हैं हंस खेल लेते हैं और बड़े खुशी से कहते हैं कि अगली बार फिर से ट्राई करेंगे हम तो सीख के गएंगे. सो दे आर अमेजिंग द चिल्ड्रन. इट्स पेरेंट्स हु पुट प्रेशर. लेकिन इस सीजन में मैंने ये भी देखा कि पिछले सीजन में हमने ये बहुत बार कहा था ये बात नोट भी की थी और इस बार बहुत से पेरेंट्स ऐसे आए उन्होंने कहा कि वी आर जस्ट सो हैप्पी कि हमारे बच्चों को ये मौका मिला. एंड दे हैव टेकन इट इन देयर स्ट्राइड एंड हेंस द चिल्ड्रन हैव टेकन इट.